इस समाचार के प्रायोजक है ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास इंदौर। इंदौर शहर में 17 साल की दिव्यांग नाबालिग लड़की को एक युवक रोज रात 11 बजे वीडियो कॉल करता था। दोनों के बीच किसी माध्यम से परिचय हुआ। आरोपी साइन लैंग्वेज जानता था, इस कारण दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। इस चीज का फायदा उठाते हुए आरोपी नाबालिग लड़की को घर से बाहर ले गया। उज्जैन इंदौर रोड पर नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, जिसकी शिकायत परिजन एवं युवती ने लसूलिया थाने में की एवं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला 26 दिसंबर 2021 का है, जब 17 साल की नाबालिग लड़की घर पर नहीं थी। लड़की की मां सुबह काम पर गई थी एवं घर पर नाबालिग लड़की का भाई उसके साथ था। जब नाबालिग लड़की की मां काम से लौटी तो उसने देखा कि उसकी नाबालिग लड़की घर पर मौजूद नहीं है। उन्होंने हर जगह खोजा परंतु लड़की नहीं मिली। फिर उन्होंने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई एवं पुलिस ने लड़की को खोजा एवं लड़की बहुत ही गंभीर हालत में मिली, जिसे देखते हुए पुलिस ने आरोपी विजय सोलंकी देपालपुर निवासी को गिरफ्तार किया एवं उसके खिलाफ FIR दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। एक्चुअली एक लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मूक बधिर माइनर बालिका थी जो अपने माँ के साथ एक छोटे भाई के साथ रहती थी। तो उसने एक दिन उसकी माँ, जैसा उसने बताया कि हम काम पे जाते हैं, काम करने गई, शाम को लौटी तो पता चला कि उसकी बच्ची नहीं है। तो फिर पूछताछ की, इधर से उधर ढूंढी, नहीं अगर बच्ची मिली, फिर ले जाकर के लसूड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बच्ची को कोई लेके चला गया है। पुलिस ने रिपोर्ट धारा 363 भादवी के तहत पंजीबद्ध कर लिया और उसके पश्चात उसकी विवेचना शुरू कर दी। उसने विवेचना करने में और तलाश किया तो पता लगा कि एक आरोपी विजय नाम का, जो 24 वर्षीय था, उस लड़की को लेकर के गया था और उसके साथ बलात्कार भी किया है। बच्ची भी बरामद की गई, उसमें विवेचना के सारे साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस ने प्रमाणित पाया कि इसी आरोपी द्वारा बच्ची के साथ दुष्कृत किया गया है और इसको अपहरित किया गया है। फिर उन्होंने उस आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, समस्त साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया। उसकी पैरवी अभियोजन की ओर से मेरे निर्देशन में श्री संजय मीणा अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। उसमें न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए आरोपी विजय को सजा सुनाई। उसमें आजीवन कारावास धारा 376 भादवी के लिए दिया। फिर धारा 366 भादवी में 10 वर्ष का कारावास, धारा 363 भादवी में 5 वर्ष का कारावास, सभी कारावास सश्रम कारावास दिए। 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें अहम बात यह रही कि माननीय न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए पीड़िता को देने की संतुति भी की।